मेरी पहली बेटी बिल्कुल नॉर्मल थी और वो पूरे 2 साल तक कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, कभी बोन का कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब इसका पता चला, एक तो खुशी थी उस साथ ही जब हमें पता चला कि बोन का प्रॉब्लम है और किस तरह से अब हम पूरी फैमिली के अंदर एक अजीब सी वो परेशानी सी हो गई कि किस तरह हम इसको हैंडल करेंगे। इतनी परेशानी हुई कि अब क्या होगा, किस तरह सही होगा, ये बहुत ज़्यादा सब परेशान हो गए घर वाले। फिर सोचे कि अब क्या करें, ये सही होगी नहीं होगी, यहाँ तक कि उनका हाथ भी मूव नहीं हो रहा था। फिंगर्स थोड़ी सी ऐसे मूव करती थी, बस बाकी तो फिर ऐसा लगता था कि क्या होगा। मैं देख देख के बार दफ़ा रोने लग जाती थी, अक्सर भी रोती थी कि ये कैसे सही होगा। थोड़ा हिम्मत की मैंने वाइफ को बोला, वाइफ ने मुझे थोड़ी हिम्मत दी कि नहीं हो जाएगा, अल्लाह ताला पे यकीन रखें और इंशाल्लाह सही हो जाएगा। फ्रेंड ने बताया कि डॉक्टर जियाउद्दीन हॉस्पिटल जाएं और वहाँ पे फिजियो डिपार्टमेंट में जाएं। हम डर रहे थे कि वहाँ भी क्या होगा, लेकिन जब आए यहाँ पर हम इन हुए तो एक उम्मीद सी थी कि शायद हमारा बेटा सही हो जाए और अच्छी तरीके से उसका हाथ सही हो जाए। उस पेशेंट का फिजिकल अपीयरेंस ऐसी थी कि उसकी नेक एक तरफ ढलकी हुई थी, जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर राय नेक या टॉर्डिक्लस कहते हैं। अपर ट्रंक पार्शियल डैमेज था, जिसकी वजह से उसकी फिंगर्स तो मूव कर रही थी बट वो अपना हाथ मूव नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर नाजिया ने इतनी हमें तसल्ली दी और इत्मीनान करवाया कि बहुत सारे केस आते हैं इस तरह के, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, आपका बेटा इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मोहम्मद अहमद को बहुत तकलीफ होती थी और हमें भी देखते हुए तकलीफ़ होती थी कि वो जिस तरह से मसल्स को एक्सरसाइज कराते थे उसके, तो तकलीफ़ होती थी, रोता था बहुत। बस ऐसा लगता था कि नहीं हो तकलीफ़ और जल्दी से ठीक हो जाए। ऐसा ऐसा जैसे जैसे थोड़ा बहुत टाइम गुजरा तो माशाल्लाह वो सही होते हुए नज़र आए, तो वो तकलीफ़ भी दूर होती हुई नज़र आ रही थी। प्रोसीजर थोड़ा डिले था लेकिन ऑलमोस्ट 3 to 4 months के ट्रीटमेंट के अंदर वो बेहतर होते चले गए। मेरे 2 माशाल्लाह बच्चे हैं और एक बेटी है इर्तिका सलमान और ये मोहम्मद अहमद सलमान। इर्तिका माशाल्लाह स्कूल जाती हैं और मोहम्मद अहमद उन्हें बहुत तंग करते हैं। जब इसको खेलता हुआ देखते हैं तो बहुत अच्छी खुशी होती है कि जिस उम्मीद से डॉक्टर जियाउद्दीन हॉस्पिटल गए थे वो हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरा। बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर नाजिया की और जियाउद्दीन हॉस्पिटल की कि मेरा बेटा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया है। जियाउद्दीन हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट वेल इक्विप्ड है, पेन मैनेजमेंट एरिया वेल इक्विप्ड है, हमारे पास वेल इक्विप्ड जिम फिटनेस एरिया है, हमारे यहाँ पेशेंट टू पेशेंट काउंसलिंग ग्रुप डिस्कशंस होते हैं जिसके अंदर हम पेशेंट को उनकी प्रॉब्लम के बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं, उनकी खदशात को दूर करते हैं। हमारे पास ईच एंड एवरी एस्पेक्ट के हवाले से न्यूरोपैथी, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, गायनी, पीड्स रिहैब के हवाले से स्पेशलाइज फिजियोथेरेपिस्ट हैं। हमारी तिब्बी सहूलियात हासिल करने के लिए दिए गए नंबर्स पर किसी भी वक्त रابطہ कर सकते हैं।